नमस्कार आदाब दोस्तों। तो आज फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि एक और बीजेपी शासित राज्य के अंदर भारी संकट पैदा हो गया है। बीजेपी के अंदर जिस तरह से लगातार तमाम राज्यों में टकराव जारी है, इसी को लेकर के गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की तिरंगा यात्रा में मची भगदड़, कई कार्यकर्ताओं ने मचाई लूट। क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपने पद से दिया इस्तीफा। क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मची भगदड़, 3 जिला अध्यक्षों को पार्टी ने किया निष्कासित। क्या है पूरा मामला विस्तार से आगे बताएंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोनिया गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा दिया बड़ा बयान, क्या कुछ कहा है इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों अफगानिस्तान में चल रहे संग्राम के बीच ताजा अपडेट सामने आ रही है। यहां पर हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों कि अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उनके देश छोड़ने के बाद उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट जारी करके बताई पूरी सच्चाई, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पर भी अपडेट विस्तार से हम आपको देंगे। साथ ही साथ तालिबान से जुड़ी कुछ और बड़ी अपडेट हम आपको बताएंगे। अफगानिस्तान के मामले पर क्या कुछ कहां चल रहा है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े करते हुए यह कहा था कि जब से गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में गृह मंत्रालय आया है तब से देश की तमाम राज्यों की सीमाओं के ऊपर लगातार टकराव जारी है। वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर गृह मंत्री पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसी के चलते गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि मिजोरम और असम की सीमा पर चल रहे विवाद के बीच मेघालय के गृह मंत्री लहकमन रिम्बुई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उनके इस्तीफा देने के पीछे की वजह कुछ ऐसी है कि मुख्यमंत्री कोनराड के संगम्मा को लिखे इस्तीफे में बताया गया है कि जिस तरह से वहां पर एक उग्रवादी नेता को जो समर्पण उन्होंने किया था, उस मामले पर पुलिस जब उनके घर पे छापे मारने गई तब उस उग्रवादी की कैजुअल्टी हो गई थी। इसी मामले पर वहां पर हिंसा हुई है, यानी कि मेघालय के अंदर हिंसा हुई है, और इसी हिंसा के चलते गृह मंत्री ने इस मामले पर अपने आप पर सारी चीजें लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। और बताया जा रहा है कि मेघालय के मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी सौंप दिया है, जिसके बाद अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या मेघालय के अंदर बीजेपी और जो गठबंधन की सरकार चल रही है वो आगे भी चल पाएगी या फिर ये सरकार गिर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ा मामला सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा के अंदर भयंकर भगदड़ मची है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय कुमार गुप्ता की तिरंगा यात्रा में पेट्रोल से भरी बोतल लूटने के लिए भगदड़ मच गई है। वैसे अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि तिरंगा यात्रा में जो हमारे देश के सच्चे देशभक्त होते हैं वो जाते हैं और किसी तरह की रिश्वत नहीं लेते, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर हमारा देश आजादी का एक तरह से सेलिब्रेट कर रहा था और आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और विधायक लोगों को आजादी के से यानी आजादी दिलाने की बजाय और गुलामी और रिश्वत देने की तरफ धकेल रहे थे, जिसका यह ताजा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। हालात कुछ इस कदर इस तिरंगा यात्रा में बिगड़े कि बेकाबू हुए बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मामला कोख राज थाना क्षेत्र के भरवारी स्थित किडजी स्कूल कैंपस का है, जहां पर बताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने फ्री में पेट्रोल देने की घोषणा की थी। जब लोग अपने अपने बाइकों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे तो जान हथेली पर रख करके पेट्रोल से भरी बोतल लूटते हुए नजर आए, जैसा कि हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं, आप इस खबर को भी देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर तिरंगा यात्रा में ये देशभक्त पहुंचे थे जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए तो आखिरकार बीजेपी के नेता को रिश्वत देने की क्या जरूरत थी। और अगर बीजेपी की नेता और उनके पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा की एक आह्वान किया गया था, अगर ऐलान किया गया था, तो इस तरह लोगों को रिश्वत देकर के बुलाने की क्या जरूरत थी। खैर आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह की
फूट पड़ी हुई है वो आज आप सभी लोग देख रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने अपना ट्विटर प्रोफाइल भी बदल दिया था जिसमें उन्होंने खुद को कांग्रेस की पूर्व सदस्य बताया था। अब उनका पार्टी से इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा गया पत्र भी सामने आ गया है जिसमें उन्होंने सभी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। दरअसल सुष्मिता देव ने जब अपना ट्विटर बायो बदला तब से ही कयासबाजी शुरू हो गई थी कि क्या सुष्मिता देव अब कांग्रेस पार्टी को विदाई देंगी, और इसी को लेकर अब फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया है। जैसा कि हम आपको उनका रिजिग्नेशन लेटर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बाद बीजेपी के अंदर भी भगदड़ मच गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता अब लगातार अपनी पार्टी से बगावत करते जा रहे हैं। आप इस खबर को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 3 जिलों के जिलाध्यक्षों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको उनके पद से हटा दिया है। इन पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और संगठन के कार्यक्रम व गतिविधियों में निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पार्टी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन 3 जिलों में पार्टी ने नए जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूं, गोंडा, मेरठ, इटावा। इन 3 जगहों के जिलाध्यक्ष बीजेपी ने हटा दिए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कुछ और ऐसे जिले हैं जहां से बीजेपी अपने जिलाध्यक्षों को हटा सकती है और उनको पार्टी से निकाल सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का इंटरनल सर्वे सामने आया है उसमें साफ तौर पर यह नजर आता है कि बीजेपी अगर 100 सीट इस बार विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए आरएसएस बीजेपी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हो चुके हैं, और जो भी नेता पूरी तरह से पार्टी में सक्रिय नहीं है उनको निकालने का काम शुरू हो चुका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर सोनिया गांधी का बड़ा हमला। आप इस खबर को देख सकते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को सुधारने और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारतीय लोकतंत्र की प्रगति में कई मोर्चों पर विपरीत बदलाव आया है। उन्होंने लिखा है कि हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र में संसदीय प्रक्रियाओं और सहमति बनाने की प्रक्रियाओं के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार की उदासीनता सबने देखी है। विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाने से लगातार रोका गया, चाहे वह विध्वंसक कृषि कानून हो या फिर मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर के जरिए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और एक्टिविस्ट की जासूसी, लगातार बढ़ती महंगाई या बेरोजगारी का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर बीजेपी अपनी तानाशाही चला रही है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगा दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां पर दोस्तों तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक विदेश विभाग ने घोषणा की है, यानी कि अमेरिका के विदेश विभाग ने घोषणा की है कि अमेरिकी सैन्य बलों ने काबुल में स्थित हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सुरक्षित कर लिया है। इसने आगे कहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी में अमेरिकी दूतावास को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। तालिबान के शहर पर नियंत्रण करने के कुछ घंटों के भीतर प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान में कहा है कि सभी दूतावास कर्मी हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ अब अमेरिका की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेने के लिए 6,000 सैनिक वहां पर भेज दिए हैं, यानी कि अमेरिका के 6,000 सैनिक अब काबुल पहुंच चुके हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद उनका एक फेसबुक पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर मैं देश ना छोड़ता तो मेरे पक्ष में आकर के देशवासी लड़ाई करते, इसके चलते जो है बेतहाशा कैजुअल्टी हो सकती थी जिसकी वजह से हमने देश को छोड़ दिया है। तो इस तरह की अपडेट सामने आ रही है। इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।